नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे घोड़ा कटोरा के बारे में। अगर आप प्रकृति का सही मायने में आनंद लेना चाहते हैं तो आप एक बार चार पहाड़ियों के बीच प्रकृति की गोद में बसे राजगीर जरूर जाएं। राजगीर में आप अपने आप को प्रकृति के काफ़ी पास होंगे। यहाँ घूमने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज हम जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह है घोड़ा कटोरा। अगर आप राजगीर जाएं तो घोड़ा कटोरा झील जरूर जाएं। यहां तक कोई मोटर वाहन नहीं जाता। बिहार सरकार ने प्रदूषण मुक्त रखने के लिए इसे मोटर वाहनों से पूरी तरह से दूर रखा है। ये बिहार में इको टूरिज्म का सुंदर नमूना है। घोड़ा कटोरा झील के रास्ते व क्षेत्र का प्रबंधन बिहार सरकार का वन विभाग करता है। 100 रुपये में मिलेगा ई रिक्शा। जब आप शांति स्तूप से घोड़ा कटोरा की ओर जाने लगेंगे तो गेट पर ही आपको बहुत सारे ई रिक्शा लगा हुआ मिलेगा। यह ई रिक्शा आपको घोड़ा कटोरा तक ले जाएगा और फिर वहां से वापस भी लेकर आएगा। ऐसे में आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि आखिर किराया कितना होगा, तो इसका किराया प्रति व्यक्ति फिक्स है, यानी कि 100 रुपया। इतने रुपये में यह आपको यहाँ से ले जाएगा, उसके बाद वहाँ से लेकर भी आएगा। आप 1 से 2 घंटे तक यहाँ घूम सकते हैं, नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। एंट्री के लिए देना होगा 100 रुपये किराया। जब आप ई रिक्शा पर बैठ जाएंगे और यह रिक्शा चलने लगेगा तो कुछ ही दूरी पर आपको घोड़ा कटोरा में एंट्री के लिए आपको 10 रुपये एंट्री फीस देना होगा। चाहे आप पैदल जा रहे हों या फिर ई रिक्शा से जा रहे हों, आपको 10 रुपये एंट्री के रूप में देना ही होगा। इस एंट्री फीस के बारे में लोगों ने बताया कि यह कुछ दिन पहले ही शुरू किया गया है, पहले यह नहीं लगता था। नौका विहार के लिए देना होगा 40 रुपया। जब आप घोड़ा कटोरा पहुंचने वाले होंगे तो आपको दूर से ही तीर और पहाड़ियों से घिरे भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखाई देगी। जब आप घोड़ा कटोरा में पहुंच जाएंगे तो वहां पर नौका विहार के लिए एक व्यक्ति को, यानी कि प्रति व्यक्ति जो है 40 रुपये किराया देना होगा। इस दौरान आप भगवान बुद्ध के बहुत पास जाकर जो है आप तस्वीरें भी खिंचवा सकते हैं। संभल कर करें नौका विहार। जब आप नौका विहार के लिए पानी में जाएंगे तो आप इस दौरान लाइफ जैकेट जरूर पहने, साथ ही साथ तेज हवा का भी ध्यान रखें। तेज हवा बह रही हो तो ज़्यादा दूर ना जाएं। लोग भगवान बुद्ध के पास जाकर फोटो क्लिक करवाना चाहते हैं, ऐसे में वे दूर चले जाते हैं। इस दौरान बोट भी खुद ही चलाना पड़ता है तो आप थक भी सकते हैं। ऐसे में दूसरों लोगों को लंबे समय तक बोट का इंतजार भी करना पड़ सकता है। इसीलिए जब आप नौका विहार पर जाएं, अपने साथ ग्रुप में 2 लोग ऐसे जरूर रहें जो नाव को अच्छे से चला सकते हैं। खराब मौसम में परहेज करें नौका विहार। जब आसमान में काले बादल का पहरा हो और तेज हवा बह रही हो तो ऐसे मौसम में नौका विहार करने से परहेज करें, क्योंकि आप तेज हवा में नाव को चला नहीं पाएंगे। ऐसे में किसी तरह की दुर्घटना होने की भी संभावना हो सकती है। ऐसे में आप अपने रिस्क पर नौका विहार कर सकते हैं, लेकिन यह जोखिम भरा काम हो सकता है। इस समय जाएं घोड़ा कटोरा। जब आप घोड़ा कटोरा जा रहे हैं तो आप उसकी टाइमिंग का खास ध्यान रखें। एक तो यह कि यह 4 बजे बंद हो जाता है, दूसरा यह कि दोपहर के बाद यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, खासकर वीकेंड में तो और भी ज़्यादा भीड़ होती है। तो ऐसे में हमारी सलाह है कि आप शुरुआती समय में ही घोड़ा कटोरा पहुंचे, ताकि आप आसानी से नौका विहार को कर सकें और प्रकृति का लंबे समय तक आनंद उठा सकें। ऐसे ही प्रकृति के साथ रहने और कुछ समय बिताने के लिए आप घोड़ा कटोरा जा सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।